3,20,000, 3,30,000। पैसे की बात मत नहीं, अब नया कैमरा लेना पड़ेगा। शेट ब्रो, ये आज ही आउटफिट में तुमको फोटो देखने मिलेगी, क्योंकि हम लोग जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ पे लाइट अच्छी होगी। क्या बोल रहा है? ड्रोन ऊपर से चिड़िया देखेगी तो कितना मस्त लगेगा अपने ऑडियंस को। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया। 1:40 दिख ही नहीं रहा बे। Anyway, 1:40 हो रहा है। और ladies and gents, boys and girls, how's everyone doing? Hope you're doing absolutely fine. Welcome back to my channel. हम लोग का अभी जस्ट ब्रंच हो रहा है। ये देखो, मोहसिन खान, पूनम, आर्या, हेलो, बोले। सब ने हमला शुरू कर दिया खाने पे। हम लोग टूट पड़े हैं, तुम भी आ जाओ। आ रहा हूँ। We are down to earth people. जमीन से जुड़े हुए लोग। एक जगह पे काम चल रहा है, दूसरे जगह पे काम चल रहा है। ये मेरे लिए बहुत नया है कि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया सुबह 10 बजे, और मैंने मेरा दूसरा वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है जो शाम को 7 बजे आएगा। एक टाइम हुआ करता था जिंदगी में जब हम एक हफ्ते में एक ब्लॉग डालते थे। एक हफ्ते में मेरा तो भाई एक महीने में एक आता था। तेरा तो और था। मेरा 2 महीने में एक आता था। तेरे लिए तो बहुत बड़ा चेंज है ये। मेरे लिए आज फर्स्ट हिस्ट्री है मेरे लिए कि एक दिन में मैं 2 वीडियो डाल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने भी हिस्ट्री क्रिएट किया है, एक दिन में 3 ब्लॉग डाल रहा हूँ। मैं पहले भी डाला था, ये दूसरी टाइम है कि एक दिन में 3 ब्लॉग डाल रहा हूँ। लोग हैरान होते होंगे ये क्या। खाना आके हमारा 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, यानी अभी खोला है, ठंडा है खाना। लेकिन मुझे देव को ऐसा देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि देव थोड़ा कंसिस्टेंट रहे। ये एड वैड के चक्कर में मतलब सेलिब्रिटी लोग सही में सेलिब्रिटी हो गए। तो इसने वीडियो डाले नहीं थे, लेकिन अभी ये रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब को लेकर सीरियस है। मेरे को फर्क दिख रहा है ना, मतलब सामने चेंजेस दिख रहा है। अच्छा, अपना सत्या, पहले मैं सीरियस हुआ यूट्यूब को लेके, फिर सत्या हुआ, फिर अभी मैं हो गया। पहले कोई सीरियस नहीं था। गाड़ी मैंने थोड़ी लेट पकड़ी है, बट कोई बात नहीं, अपन कैचअप कर लेंगे। नाराज मत होना बस। तो हम लोग फुल रेडी हो गए, हम लोग जा रहे बाहर। पोलो में नहीं जा रहे अपन, जा रहे नई गाड़ी में। नई गाड़ी वहाँ खड़ी है। स्कूटी के बाद द सेकंड बेस्ट थिंग इज थार। ये रोड्स इतने खराब है कि भाई चाहिए थार जैसे कोई नहीं पर रही। हां अपन पीछे बैठ, ले ले चलाएगा तू। ब्लॉक किया अपना? हां कर रहा हूं भाई, मेरा चालू है। जा रहे नहीं जा रहे? जा रहे। सर में गया डीजल भराने। हम लोग ने मैंने और पूनम ने यहाँ पे बर्गर्स ऑर्डर कर दिया। 20-25 मिनट लगेंगे रेडी होने के लिए, तो वी जस्ट वेटिंग ऑन दैट। और प्लान ऐसा है कि बर्गर्स सब कुछ सारा पूरा तामझाम लेके हम लोग जाएंगे हिल टॉप पे जाके हम लोग पिकनिक करने का प्लान है। थिंक इट्स अ गुड आइडिया वहाँ पे इतने बड़े बड़े बर्गर खाने। देखते एडवेंचर, दिस विल बी लॉट ऑफ चीज़ी एडवेंचर। ऐसा हाथ पूरा सा ऐसा 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 टिश्यू पेपर नहीं, टॉवल्स लगेंगे हम लोग को वो बर्गर फिनिश करने। 4 बर्गर लिए, साथ में पीनट बटर और बनाना शेक भी लिया, व्हिच इज लाइक अ मस्ट हैव ओवर हियर। प्ले 15-20 मिनट से हम लोग ये दिख रहा है ये लेफ्ट में, ये मैंने खुद ने पहना है, ठीक है, खुद से सिंपल 2 मिनट में। 1-1.5 घंटे से इतना परेशान कर रखा है, होटल में पहनने का ट्राई किया वहाँ नहीं गया, यहाँ पर भी कोशिश करी यहाँ नहीं जा रहा, पसीना पसीना बार बार, 3 बार पसीने में भीग चुका हूँ मैं इस चक्कर में, कब जाएगा पता नहीं। ये इतना सा वो जाके वो रुक गया, बट वो रिंग के साथ अलाइन नहीं हो रहा, दैट्स द प्रॉब्लम। ये आज ही आउटफिट में तुमको फोटो देखने मिलेगी, क्योंकि हम लोग जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ पे लाइट अच्छी होगी, बैकग्राउंड अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा और फोटो अच्छी आएंगी। बोहो, प्रॉपर बोहो स्टाइल। सॉरी, 3-4 पीपल या नो, बट आई थिंक वी विल टेक इट अवे, वी विल टेक। हम लोग का खाना भी रेडी हो गया है, उसने आवाज़ दे दी, उसने ये भी बोल दिया कि भाई तुम्हारा टेबल भी रेडी है, बट हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग ऊपर जाके खाएंगे। बॉयज, आवर बर्गर इज रेडी। स्पीड पे डाके आवाज करने लगी गाड़ी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। और उसने बोला भी था अपने को,
फोर व्हील में डालोगे तो क्लच प्लेट जल जाएगा, ये वो हमको काफी ज्यादा पहले से वार्निंग दे दिया था और हमें समझ में आ गया कि क्यों वार्निंग दे रहा है। जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि गाड़ी जब पुरानी हो जाती है ना तो फोर व्हील में ये सब परेशानी होती है, तो फोर व्हील में वो फील तो है लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ यूज करेंगे। वो काम जिसके लिए अपन ने लिए थी गाड़ी वो नहीं होता ना। नहीं हो रहा है, इधर हम लोगों ने गाड़ी ली थी कि यहाँ पे स्मूथली जाएंगे ऊपर बिंदास, जैसे वो एक हाथ मिनट का इसका हुआ वो बट फिर चलो कोई नहीं अपन ऊपर तो पहुँचते हैं। व्यू है आगे, ठीक है आगे व्यू है, रुको। तो हम लोग भाई काफ़ी ऊपर तक पहुँचे हम लोग कार लेके, बट आई थिंक ये रास्ता नहीं था। सलीम का एक सब्सक्राइबर आया पीछे से, वो भी पोलो में है और वो बोलता है सलीम भाई आपकी रामप्यारी नहीं जाएगी मेरी जाएगी, पर वो गोवा का लोकल है, उसने बोला भाई पीछे से आ जाओ। तो मस्ती एक तरफ, उसको एटली रास्ता तो मालूम है कहाँ से जाना है, तो अभी वो जा रहा है पीछे, सलीम भी जा रहा है, अपन फिर ऐसे घूम के आई थिंक कहीं से तो जाएंगे ऊपर। पूरी गाड़ी हिल रही है थार 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 थार, ऐसा मज़ा नहीं आ रहा। मैंने थार के कोई कोई वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पे चेंज द सस्पेंशन ऑफ दैट कार, एक नॉर्मल चलाते हैं, नॉर्मल में गाड़ी ऐसे 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 हो रही है जैसे हमारी हो रही है अभी ये वाली, द आफ्टर मार्केट सस्पेंशन दैट दे ऐड, उस पर गड्ढों पे से गाड़ी ऐसी जा रही है, अंदर हिल नहीं रही, टायर ऊपर नीचे हो रहे, हाइड्रोलिक्स है क्या है पता नहीं, बट देर इज समथिंग। तू कहाँ पे आगे जा रहा है क्या? ये व्यू इतना क्लास है, अभी हवा आ रही है, मैं थोड़ा जोर से बात करूँगा, मतलब ये यहाँ पे मैं हर बार आता हूँ, मतलब जब जब मैं वागातोर रुकता हूँ, अंजुना रुकता हूँ, तब तक मैं यहाँ पे आ ही जाता हूँ विदाउट फेल। ड्रोन ड्रोन ऊपर से चिड़िया देखेगी तो कितना मस्त लगेगा अपने ऑडियंस को। ये हम लोग को ड्रोन देके चला गया, ये जा रहा है वहाँ पे सलीम में, क्या है ना भाई ऐसे खिलौने मिल जाते हैं ना तो ऐसा बच्चा बाहर आता अंदर का, तो तुमको इसके वीडियो में देख के समझ में आएगा कि कैसा बच्चा बाहर निकल रहा है ऐसा एकदम, मतलब मैं कहीं भी चला रहूँगा गाड़ी लेके, वैसा इधर चला रहूँगा उधर चला जाऊँगा, देव तो ड्रोन उड़ा ऐसा हो रहा है उसके साथ, मस्त है सही है। बाकी अभी ड्रोन शॉट है, बहुत ज़माने बाद ड्रोन शॉट दिखेगा, देखो इतने टाइम बाद मैंने ड्रोन उड़ाया, जो मजा आया। हेलो उड़ा 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 इतने टाइम बाद ड्रोन उड़ाने का जो मजा आया ना, इट इज ब्यूटीफुल। बट द प्रॉब्लम विद दिस ड्रोन इज इट डजंट गो हायर देन 15 मीटर्स, इट डजंट गो फार्दर देन 49 मीटर्स, मतलब 49 मीटर्स ही है इसका रेंज। अच्छा 49 मीटर्स के आगे जाता ही नहीं है, मतलब मैं सोचा था ये जाएगा 1.5-2 किलोमीटर मैविक जैसा। नहीं 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 छोटा है ना, 249 ग्राम का तो ड्रोन है यार, क्या एक्सपेक्ट करता है तू जिंदगी से यार। कोई नहीं चल मजा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना ये बच्चा बन रहा था गाड़ी है, मेरे लिए वो खिलौना है, मैं बच्चा बन गया देख के। प्लीज रिमूव फूड। यस वेरी भूख लगिंग इज द वेरी भूख लगिंग वेरी मच हाय हाय क्या क्या किधर गिरे शिट टूट गया माइक टूट गया ऑन ऑफ का भी स्विच गया शिट माइक तो लाया ना हम लोग एक्स्ट्रा शिट यार ये ऐसा कैसा हो रहा है ये क्रैक शिट ब्रो क्या क्या हो रहा है अपने साथ हो गया ब्रो इसने कैमरा किसने किसकी हरकत है नहीं हम लोग फोटो खींचा रहे थे इसने के लिए वहाँ पर रखे तुम लोग का फोन आया ड्रोन देखे हम लोग फटाफट भाग के आना था इसलिए ध्यान में नहीं फोटो खींच रहे थे तो पोज के लिए उधर रखा था बॉन्ड के ऊपर कैमरा लेंस मेरे कैसे ठीक है लेंस के ऊपर नहीं गिरा कैमरा देखो भूख लग रही है बहुत ज्यादा ना और अब मैं इरिटेट हो रही हूं इतनी ज्यादा भूख लग रही है मालूम है ये मेरा फेवरेट बर्गर है जो भी ठंडा हो चुका है और भूख जितनी ज्यादा लग रही है और उसका बेचारे का कैमरा गिर गया टूट गया लाखों का नुकसान होते होते बच गए हैं
The lens is almost 1.5. Yeah. And the camera is another 1.5. 180 for the lens and 1.5 for the camera. 3.5, almost 3 lakh ke upar ka nuksan tha ye, jo bach gaya. 3,20,000, 3,30,000. पैसे की बात मत नहीं अगर चला जाता तो चला जाता नहीं तो हुआ ये माइक गया ना माइक का हालत देख क्या हुआ माइक गया पूरी भाई माइक गया माइक 30,000 गया ये 30,000 का माइक है माइक गया दोस्त क्या ऑटोमेटिकली बंद हो गया देख अभी ये प्रॉब्लम आएगी इसमें अब नया कैमरा लेना पड़ेगा शिट ब्रो शिट इतनी लापरवाही मैं कैसे कर सकता हूँ शुरू करते हैं कभी खुशी कभी गम जिंदगी में होते रहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है खाना हो गया बहुत ही बढ़िया मजा आ गया नेक्स्ट लेवल बर्गर ठंडा होने के बावजूद इतना टेस्टी लग रहा था फूड कोमा फिर भी मतलब मैंने सोचा कि अगर व्हाई नॉट इफ आई एम व्लॉगिंग एवरी डे अभी ये जो व्लॉग आएगा ना ये दिन का एक ही है ये आज दो नहीं है पर फॉर द नेक्स्ट एंटायर ट्रिप डेली व्लॉग है तो बॉयज ये इसी के साथ हम लोग यहाँ पे वीडियो ख़त्म करेंगे हम लोग होटल पे आए खाना खाया खाना खा के बाहर वॉक वॉक लिया और अभी एडिट चालू है और ये मैं ऐसा नीचे बैठा हूँ क्योंकि इस पे बैठ बैठ के पीठ दुख गई तो नीचे बैठ के कर रहा हूँ बस दैट इज़ इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो इफ़ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब करके जाओ बहुत सारे MSKNs देख रहे हैं मेरे को भाई लोग सब्सक्राइब करो अपने को 1,00,000 करने टारगेट मतलब कहीं और गया नहीं है ठीक है आप लोग करा सकते हो मेरे 1,00,000 मेरे को पूरा भरोसा है मेक श्योर यू लाइक कमेंट सब्सक्राइब Take it easy. Take care of yourself. Be safe. Bye.